तो आसूस ने फिलहाल लॉन्च किया है उसका एक नया लैपटॉप आसूस ZenBook 70। तो गाइस ये बेसिकली जो लैपटॉप है टोटली एक डिस्प्ले की तरह दिखता है और आप इसको फोल्ड कर पाओगे, फोल्ड करके यूज कर पाओगे। तो बेसिकली जब आप इसे फोल्ड करोगे एक पार्ट आप डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो, दूसरा जो पार्ट है आप इसको कीबोर्ड माउस की तरह, इन डिस्प्ले कीबोर्ड माउस की तरह यूज कर पाओगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। और आप लोगों को इस बॉक्स के अंदर दूसरा एक ब्लूटूथ कीबोर्ड देखने को मिलता है। जब आप फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद एक पार्ट डिस्प्ले होगा और दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर उस कीबोर्ड को रख के आप इस डिस्प्ले को, इस लैपटॉप को यूज़ कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप मॉनिटर पे देख पाओगे, यहाँ पे मेनली जो लैपटॉप है आसूस ZenBook 17 फोल्ड OLED, तो लैपटॉप कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे टोटली जो डिस्प्ले है वो OLED डिस्प्ले है जिसके कारण आप इसको फोल्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो टोटली OLED पैनल है जिसके लिए फोल्ड कर पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक टोटली लैपटॉप है जो टोटली डिस्प्ले है, आप इसको फोल्ड करके ऐसे रख सकते हो और उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को एक कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो फिलहाल ही जब इसको फोल्ड करोगे तो कीबोर्ड को इस पार्ट पे रख के आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कुछ बात करूँ तो यहाँ पे जो लैपटॉप है वो टोटल जो डिस्प्ले है वो 17.3 इंच OLED पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो 2.5K रेजोल्यूशन पे आता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो 2560x1920 4.3 डिस्प्ले रेशियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जब इस लैपटॉप को आप फोल्ड करोगे तो यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को आप लोगों को मिल जाएगा वो 12.5 इंच, 3.2 डिस्प्ले रेशियो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आप लोगों को जब फोल्ड करोगे तब आप लोगों को जो रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा वो HD रेजोल्यूशन 1920x1280 रेजोल्यूशन पे आप इसको देख पाओगे। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो CPU लगा है, जो प्रोसेसर, उसके अंदर इंटेल का सबसे लेटेस्ट 12th जनरेशन का इंटेल i7 प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है जिसके कारण से आप लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा और पावरफुल प्रोसेसर को यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स इंटेल आइरिस का एक सी ग्राफिक्स यहाँ पे लगा हुआ है, आप इससे अच्छा खासा गेम खेल सकते हो या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर रैम आप लोगों को देखने को मिलता है 16 GB तक रैम, DDR5 रैम देखने को यहाँ पे मिलता है। स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा SSD 1 TB का SSD यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे कैमरा, इसके अंदर जो कैमरा है वो 5 MP का आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है इस लैपटॉप पे। कैमरा की एक खास बात मैं बताऊँ, जब आप कोई भी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे हो या कोई भी मीटिंग पे हो तब इस कैमरा चालू रहता है। आप मान लो कुछ देर के लिए कैमरे से हट गए तो कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता है आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो उस टाइम में। उसके बाद इसके अंदर तो आप लोगों को ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ देखने को मिलता है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिलता है, एक ऑडियो जैक आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इसका बैटरी लाइफ, इसके अंदर 75 वाट आवर का बैटरी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा जिसके मदद से आप इस लैपटॉप को 9 आवर टू 8.5 आवर तक इसको यूज़ कर पाओगे। तो इतना ही था लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग एक फ़ोटो देख सकते हो जिसकी मदद से आप देख सकते हो आप लैपटॉप को कैसे यूज़ कर पाओगे एज ए डेस्कटॉप मोड। बहुत सारी मोड है इसके अंदर, आप इसको लैपटॉप को 6 तरीके से यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप मोड, डेस्कटॉप की तरह आप इसको यूज़ कर पाओगे, एज ए लैपटॉप की तरह यूज़ कर पाओगे, उसको फोल्ड करके आप कोई भी बुक जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही इसको रख के उसके अंदर पढ़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, एज ए छोटा लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हो, बहुत फंक्शन इसके अंदर है। तो इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे पहले आसूस ने ही निकाला है एक फोल्डेबल लैपटॉप। तो लैपटॉप के बारे में जानकारी लग के आप लोगों को कैसा लगा, छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।